हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री बीएल मेमोरियल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने जो आइडेंटिटीज पढ़ी थी उन पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम एक नई आइडेंटिटी पढ़ते हैं। क्या है आइडेंटिटी, क्या है, मैंने आपको पहले कितनी आइडेंटिटीज लिखाई थी, चार आइडेंटिटी लिखवाई थी मैंने, कौन कौन सी लिखाई थी, एक एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, और एक क्या लिखाई थी, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई की। तो ये चार आइडेंटिटी तो हमने लिखी थी पहले। अब देखो ये नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या कह रही है, क्या है आइडेंटिटी, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अगर तीन नंबर में अगर हमारे पास आ जाए या तीन वेरिएबल में हमारे पास आ जाए तो हमें उसका होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, क्या होगी उसकी आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। क्या हो गई इसकी आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। ठीक है, आइडेंटिटी क्या करनी है आपको, याद करनी है ये क्या है, तीन वेरिएबल में है। अगर ये दो वेरिएबल में होती तो हमने सीखी थी दो वेरिएबल वाली, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये थी। अब देखो यहाँ पे क्या ऐड हो गया है, एक z ऐड हो गया है, तो इसमें भी हमने क्या कर दिया, z स्क्वायर ऐड कर दिया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो था ही, अब टू एक्स वाई भी था ही यहाँ पे, अब एक z ऐड होने की वजह से यहाँ पे क्या क्या ऐड हो गया, टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। ठीक है, क्या ऐड हो गया, टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। ठीक है, आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है अच्छे से, क्वेश्चंस नहीं होंगे नहीं तो आइडेंटिटी सारी याद होनी चाहिए। अब देखो एग्जांपल नंबर 19 देखते हैं हम इस आइडेंटिटी के बेसिस पे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें ये वाली ही लगेगी, इसमें पहले वाली भी तो लग सकती है, ये भी तो लग सकती है। देखो इसमें एक दो तीन टर्म है, तीन टर्म होते ही क्या लगानी है हमें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या लगाना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे थ्री ए प्लस फोर बी प्लस फाइव सी का स्क्वायर, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, इसको क्या करना है हमें, एक्सपांड करना है। थ्री ए प्लस फोर बी प्लस फाइव सी का होल स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी बन गई है, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। ये क्या आइडेंटिटी बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स क्या हो गया यहाँ से थ्री ए, y क्या हो गया यहाँ से 4b, z क्या हो गया यहाँ से 5c, z क्या हो गया यहाँ से 5c। अब जहां जहां पे x है वहां पे हम क्या लिख देंगे 3a, जहां पे y है वहां पे 4b, और जहां पे z है वहां पे 5c। तो देखो यहाँ पे x की जगह हमने क्या लिख दिया 3a का स्क्वायर प्लस y की जगह हमने क्या लिख दिया 4b का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है सब में, स्क्वायर है ना सब में, प्लस जेड की जगह हमने क्या लिख दिया 5c का स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया अभी हमने यहाँ पे। अब 2xy, 2xy का मतलब क्या हो गया, 2x क्या है हमारे पास 3a, तो 3axy, y क्या है हमारे पास 4b, कुछ नहीं है बीच में, तो हमने क्या लगाया है, क्या करना है इसमें, मल्टीप्लीकेशन करना है, प्लस 2yz, 2y क्या है 4b, 4b, z क्या है 5c, क्या है 5c, प्लस 2zx, z क्या है 5c, z क्या है 5c, और x क्या है यहाँ पे हमारे पास 3a। बस अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा उसकी वो क्या हो जाएगी, इसकी एक्सपांडेड फॉर्म हो जाएगी। एक बार वापस से देखते हैं क्या किया हमने इसके अंदर, x की जगह x की वैल्यू रखी, y की जगह y की, और z की जगह
जेड की, एक्स की जगह हमने रख दिया 3x, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखो अभी आइडेंटिटी याद ही नहीं होती तो ये कैसे एक्सपांड करते हैं इसको, इसलिए कह रही हूँ आइडेंटिटी याद करनी बहुत जरूरी है। एक्स की जगह क्या लिख दिया हमने, 3a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। अब 2xy, 2 x की जगह क्या लिखा 3a, y की जगह क्या लिखा 4b प्लस 2yz, 2y की जगह क्या लिख दिया हमने 4b, z की जगह हमने क्या लिख दिया 5c प्लस 2zx, z की जगह हमने क्या लिखा 5c और x की जगह हमने क्या लिखा 3a। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3a का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9a स्क्वायर, क्या बन गया ये 9a स्क्वायर बन गया। अब देखो प्लस 4b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5c का स्क्वायर, 5c का स्क्वायर कितना हो गया 25c स्क्वायर, 25c स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो 2 3 6, 6 4 24, तो 24 ए और बी है तो ए बी, 24 ab। अब देखो यहाँ पे 2 4 8, 8 5 40, 40 bc प्लस 2 5 10, 10 × 3 30, 30 ca। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, बस इतना ही आंसर है। अब इसमें कुछ भी देखो लाइक टर्म नहीं है, लाइक टर्म होती तो हम ऐड करते सब्ट्रैक्ट करते, पर इनमें क्या होगी लाइक टर्म नहीं आएगी। तो देखो अब क्या हो गया, 9a² प्लस 16b² प्लस 25c² प्लस 24ab प्लस 40bc प्लस 30ca, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। एक बार वापस से देखो क्या किया हमने, सबसे पहले हमने आइडेंटिटी याद की, सबसे पहले हमने क्या याद की आइडेंटिटी, x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया, इसमें देखो x की वैल्यू क्या हो गई 3a, इसमें क्या हो गई y की वैल्यू 4b और z की वैल्यू 5c, तो हमने आइडेंटिटी में जहां जहां पे x है वहां पे 3a लिख दिया, जहां पे y है वहां पे 4b लिख दिया और जहां पे z है वहां पे क्या लिख दिया 5c लिख दिया। फिर हमने क्या किया, इसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, इनमें क्या किया नंबर क्या होते हैं मल्टीप्लाई है, और पीछे के जो वेरिएबल होते हैं वो यू लिखे जाते हैं ए बी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आया हमारा, ये आंसर आया, इसको क्या कहते हैं, इसकी एक्सपांडेड फॉर्म कहते हैं, इसको क्या कहते हैं एक्सपांडेड फॉर्म कहते हैं। अब देखो आप लोग एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 20 सेम इसी तरीके का है, बस यहाँ पे क्या दे रखे है सब में प्लस दे रखे है, उसमें क्या दे रखे है माइनस दे रखे है, उसमें क्या दे रखा है माइनस दे रखा है, बस और कुछ नहीं करना है। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 20 होमवर्क है और आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अगर आप तो सेम यही है, यही है, यही आइडेंटिटी लगेगी। तो मैं हर आइडेंटिटी के हिसाब से आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, तो आज आपको क्या करना है एग्जाम्पल नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसका जैसे हमने पहले भी सीखा था x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये लाते थे, फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखा था कि ये दे रखा है तो ये लाना है, तो अब हमें क्वेश्चन में नेक्स्ट में ये दे रखा होगा हमें क्या लाना होगा ये लाना होगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में ये सीखेंगे। तब तक आपको क्या करना है 19 एग्जाम्पल, 20 एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब हम, थैंक यू।